बीएड की एडमिशन को लेके कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कई जनों ने रूरल सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, फिल कर दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन कैफे वालों ने गलत फिल कर दी है, कुछ और तरह की टेंशन्स हैं। उन टेंशन्स को रिमूव करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस फेज़ पर जब आपकी प्रोविजनल लिस्ट बीएड की आ चुकी है तो आपको ये जानकारी चाहिए कि फर्दर प्रोसीजर बीएड की एडमिशन का, काउंसलिंग का क्या होगा। कुछ डेट्स अब जान लें कि होना क्या क्या है। डेट्स में अब यहाँ खड़े हैं, आज 17 अक्टूबर है 2021, तो प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट जो फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग की लिस्ट आ जानी है वो 21 अक्टूबर को आ जाएगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आपके लिए दिन क्या है कि लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन इन एलोकेटेड कॉलेज फॉर फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग। इस लिस्ट में 21 तारीख को आपको आपका कॉलेज प्रेफरेंस के अनुसार, यहाँ आपके कॉम्बिनेशन और कैटेगरी की सीट अवेलेबल है, वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आपने 21 के बाद 22, 23, 24, 25 तक 26 अक्टूबर तक आपने उस कॉलेज को रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट कैसे करना है, आपने अपना रिजल्ट लेके जाना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हर हालत में ज़रूरी है कॉलेज ने चेक करने हैं, वो आगे जाके उनकी लिस्ट बताता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट अभी आप तैयार कर लीजिए। ओके, डेट्स के बारे में क्या है कि जब आपकी फॉर एग्जांपल उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी फीस सबमिट हो चुकी है। फीस सबमिट होने का ये मतलब है कि आपकी एडमिशन बीएड में उस कॉलेज में हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को वहाँ कॉलेज में डिससेटिस्फेक्शन है, डिस्टेंस ज़्यादा है, जहाँ उसको लगता है कि इस कॉलेज की क्वालिटी या उसकी नीड्स दूसरा कॉलेज सेटिस्फाई कर सकता है, कई बार गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाना चाहते हो, ये बात याद रखनी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट के सभी कॉम्बिनेशंस नहीं होते, उसको पहले से आप देख लीजिए, ठीक। तो वो जो आप शिफ्ट करना, आपकी एडमिशन हो चुकी है उसके बाद आप शिफ्ट करना चाहते हो, शिफ्ट करने के लिए आपकी फीस जमा हो चुकी है, तो आपको यूनिवर्सिटी डेट दे रही है जो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है। अब शिफ्टिंग के चक्कर में मैं सुजेस्ट करूंगा मत पढ़ें। अगर आपको किसी कॉलेज में डिससेटिस्फेक्शन है तो आप वहाँ रिपोर्ट मत करें, आप सेकंड काउंसलिंग की वेट करें, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में मैक्सिमम आपकी सेटिस्फेक्शन का कॉलेज आपको हर हालत में मिल जाएगा। आपकी सेटिस्फेक्शन दो क्राइटेरिया पर हर हालत में होनी ज़रूरी है। एक तो आपका कॉलेज आप नेचुरली नज़दीक देख रहे हो, जहाँ जो आपकी कोई पर्सनल नीड्स है वो कॉलेज पूरी कर रहा है, आई डोंट नो वेदर दे आर एथिकल और अनएथिकल। और दूसरा आपका सब्जेक्ट इसको ज़्यादा प्रेफर करें कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, आप मोर नॉलेजेबल हो, जिसमें नॉलेज आपकी ज़्यादा है और कंफर्टेबल टीच करना फील करोगे, उस सब्जेक्ट से आपको प्यार है, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करें, ना कि ज़्यादा कॉलेज को। तो वहाँ आप अगर ये शिफ्ट करना चाहते हो, उसमें एक दिक्कत है, क्यों कह रहा हूँ कि वो इग्नोर कीजिए, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में आपका 1000-2000 इतनी फीस या इतना खर्चा 3000 तक किसी ना किसी तरह लग जाएगा और आपको टेंशन रहेगी मुझे शिफ्टिंग होगी नहीं होगी। और जिस कॉलेज में आपकी ने फीस जमा करवा दी है उस कॉलेज को आप टेंशन दोगे, उससे रिश्ता जनरली खराब हो जाता है, जिसको भी जिंदगी में छोड़ के जाते हो वो यहाँ लगाता ही लगाता है। तो अगर आप जब छोड़ते हो वो कंपेल करेंगे, आपको मनाएंगे, तो ये इस चक्रों में मत पड़ो, रिपोर्ट ना करने पर जोर दो। सेकंड काउंसलिंग में वहाँ आपको मिल जाएगी। अगर सेकंड काउंसलिंग में भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो थर्ड काउंसलिंग में मिनिमम मेरे ख्याल 10-12 हज़ार कैंडिडेट्स होंगे, रियल डाटा मुझे नहीं पता, तो मेरे ख्याल में 40-50% सीट्स खाली पड़ी होंगी। थर्ड काउंसलिंग में ओपन हो जाता है सब कुछ, आप किसी भी कॉलेज में जाके सीधी फीस पे कीजिए, एलिजिबिलिटी चेक करिए और एडमिशन ले लीजिए, ठीक, वो सबसे आसान रहता है। हाँ, जिन्होंने अभी तक
ये काउंसलिंग के में फीस जमा नहीं करवाई जा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी उनको भी सीट मिल जाएगी। मैनेजमेंट कोटा की 15% सीट होती है, कई कॉलेज के पास 200 सीट्स हैं, बहुत सीट्स वो खाली होती हैं नॉर्मली, उसमें भी एक्स्ट्रा चार्ज मत दीजिए, नॉर्मल फीस में ही हो जाती है। कोई कॉलेज होगा जो बहुत फिल हो गया है, जब बहुत नज़दीक है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मैक्सिममली सही नहीं दी जाती क्योंकि उन्होंने भी पैसे कमाने हैं। कोई कॉलेज आपकी एजुकेशनल सर्विस के लिए नहीं बना, कोई भी कॉलेज नहीं बना, कोई भी कॉलेज, चलो मान लेता हूँ 99% बने हैं, एक परसेंट कॉलेज सर्विस के लिए भी कोई बना होगा, लेकिन बहुत से कॉलेज पैसे के लिए ही बने हैं, तो वो आपको हर हालत में। अच्छा कहाँ क्या बात कर रहे थे, ये बात है जी शिफ्टिंग क्लोज हो गई, शिफ्टिंग के चक्रों में मत पीजिए, ये मैं बोल रहा था, ठीक है। तो शिफ्टिंग के बाद आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ये उन स्टूडेंट्स कैंडिडेट के लिए हैं जो कह रहे हैं कि हमारी रूरल की सर्टिफिकेट नहीं है, इन्फॉर्मेशन गलत फिल होगी, वो डिस्क्रिपेंसीज इन डाटा फिल्ड बाय द कैंडिडेट इफ एनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ईमेल करेंगे, ईमेल से आप वो करेक्शन करवा सकते हो 28 अक्टूबर 2021 से लेकर 2 नवंबर 2021 तक, ये डेट जो चेंज हुई है। तो यहाँ पर उन कैंडिडेट को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे ईमेल नहीं होती आप कॉलेज में जाके संपर्क करें, कॉलेज से की हेल्प से आप मेल कर सकते हैं जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो। अदरवाइज मैंने भी एक नंबर दिया था, वहाँ भी आप बात करके आपको सीधी काउंसलिंग वो एक्सपर्ट पर्सन है वो आपको बता देंगे क्या क्या कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑनलाइन ही गाइड कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डेट उसके बाद होगी, ये अभी जाननी आपको ज़रूरी नहीं है, सेकंड काउंसलिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है क्योंकि ऑनलाइन डाटा आपका सारा पड़ा हुआ है। ये आगे बात करते हैं, ये डिस्क्रिपेंस की बात हो गई, डेट ऑफ फिल अपडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मार्क्स, अच्छा ये जो फिल करने हैं, फिर उसकी 3rd November से 7th November तक है, फिर 10 नवंबर को सेकंड काउंसलिंग ऑनलाइन लिस्ट आ जाएगी, तो 15 नवंबर तक आपने फिर सेकंड काउंसलिंग में आपने रिपोर्ट कर देना है जिस कॉलेज में भी आप को एलोकेट हुई है सीट। तो अब आप हम देखते हैं कि जो बीएड की एडमिशन हो रही है, प्रॉस्पेक्टस है, उसमें से साफ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, प्रेपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे बननी है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये बात लगभग हो चुकी है, कोटा वाइज कैटेगरी वाइज ये भी हो चुकी है, वाइल कैलकुलेटिंग मेरिट क्रेडिट ऑफ 1% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ये मिलने हैं जो के 80% पंजाब वाले हैं, रूरल से 10th and 10+2 पास की हुई है और DEO से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से सर्टिफिकेट बना है, अगर नहीं बना है तो वो जैसे बता के आए हूँ डिस्क्रिपेंसीज में जाके सेकंड काउंसलिंग की वेट करें, वहाँ पर अपना करेक्शन करवाएं, नहीं तो थर्ड काउंसलिंग में ओपन जाके अपनी सीट ले लें। ये हो गया। अच्छा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज ने फिर यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन के लिए भेजने हैं, जब क्लर्क लेके जाते हैं वहाँ कई बार तो काफ़ी टाइम, महीना दो महीना लग जाता है। अच्छा माइग्रेशन आप अभी अप्लाई कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि माइग्रेशन का बाद में यूनिवर्सिटी चार्ज एक्स्ट्रा करती है अगर लेट हो जाते हो, मोस्टली ऑनलाइन, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन ही माइग्रेशन फिल कर दी है तो वो टाइम लगता है, बाय पोस्ट ही आपके घर में आती है, और इमीडिएट वाली प्रोविज़न कई यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दी है, अपनी यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिए कि अगर प्रोविज़न है तो इमीडिएट वाली एक्स्ट्रा 500-700 लग के दो दिन में एक दिन में मिल जाता है, अदरवाइज 15-20 दिन लग जाते हैं माइग्रेशन को। माइग्रेशन मैंने ये डॉक्यूमेंट बता दिया है, इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स जो हैं हर हालत में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज का ही पूरा ये लिखा हुआ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने उनकी जिम्मेवारी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी वेरीफाई आपके डॉक्यूमेंट्स को करेगी, अगर कुछ गड़बड़ है कॉलेज भी चिंता में रहता है और कैंडिडेट भी चिंता में रहता है क्योंकि एडमिशन कैंसिल हो सकती है, वैसे तभी होता है ये अगर कोई शिकायत हो जाए तो, कई बार ऐसे डिस्क्रिप होती है हर साल
मेरे ख्याल में कम से कम 500 में से एक दो केस गड़बड़ वाले होते हैं। अच्छा, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसकी एक फोटोकॉपी साथ में चाहिए? आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 4 लगती हैं, वो आपको आपके पास ज़रूर चाहिए। अच्छा, आपने एक अपनी जड़ी एलोकेशन ऑफ स्लिप है, एलोकेशन ऑफ कॉलेज वाली स्लिप, वो लेके जानी है। डिटेल मार्क्स मैट्रिक्स के ये आपके पास हैं, तैयार रख रहे हैं। डिटेल मार्क्स कार्ड एंड डिग्री ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, इट मींस 10th का, 10+2 का, ग्रेजुएशन 1, 2, 3, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, पर्टिकुलरली अगर आपकी एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर है तो हर हालत में आपका वो सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपकी इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपने फिल की हुई है, वो डॉक्यूमेंट आपके पूरे चाहिए। अगर गैप सर्टिफिकेट है, यहाँ लिखा हुआ है एफिडेविट रिगार्डिंग गैप्स सर्टिफिकेट, जो वीडियो एक बताई गई है, इजीली गैप सर्टिफिकेट 20 मिनट में बन जाता है, अपनी तहसील में या सुविधा सेंटर में जहाँ भी वो नोटरी वाले बैठते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ गाइड किया हुआ है कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनना है। जैसे भी यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स है, लेकिन आप तैयार रख लें, गैप सर्टिफिकेट हो गया आपका। अगर इसके अलावा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जिस इंस्टीट्यूट में से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या लास्ट डिग्री जो भी की हुई है, वहाँ से आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे। रेजिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 5 साल के लिए लगभग पंजाब में वैलिड है, तो अगर इससे आपका पुराना है तो आप कोशिश कीजिए कि सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके लिए भी अलग से वीडियो बताया गया है, बनाया गया है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है। अगर गाइडेंस चाहिए तो उन शख्स से बात करके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, ज़्यादा प्रॉब्लम आई है रूरल एरिया के सर्टिफिकेट की, 10th और 10+2 के दोनों ही रूरल एरिया से होने चाहिए। आपके स्कूल के प्रिंसिपल या हेड से सिग्नेचर और उसकी सील चाहिए। सेकंड, डिस्ट्रिक्ट सरपंच एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। ये लिखा है रूरल एरिया क्लेम सर्टिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ऊपर लिखा हुआ है सरपंच, यहाँ DEO लिखा है, तो आप हायर अथॉरिटी को लेके चले कि DEO का सिग्नेचर ये चाहिए। अगर आपने क्लेम कर लिया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बना, तो आप फिर डिस्क्रिपेंसी में जाके सेकेंड काउंसलिंग में अपीयर होंगे, नहीं तो थर्ड काउंसलिंग में सीट ले लेंगे। एफिडेविट रिगार्डिंग गैप हो चुकी है बात, एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है, रिजर्वेशन में आपको सीट मिली है, हर हालत में OBC, SC, ST जहाँ कोई और रिजर्वेशन है, वो सर्टिफिकेट आपका अकॉर्डिंग टू, और उसका इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक, इसके अलावा सिख मिनोरिटी की स्कॉलरशिप्स कई हैं, आप अपने कॉलेज से या जो नंबर मैंने कमेंट में कई जनों को दिया हुआ है, उनसे पता कर सकते हो कि किन बच्चों के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मिनोरिटी के लिए 30,000 तक, सिख मिनोरिटी के लिए शायद 33,000 की है, कोई कम्युनिटी दे रही है, कई गवर्नमेंट की तरफ से है, हर मिनोरिटी की को मिल रही है, OBC को भी मिल रही है, आपको सही गाइड करने वाला चाहिए तो आप स्कॉलरशिप लेके 20-30-40,000 जितना भी मिलता है 2 साल में, तो वह आप ले सकते हैं, अवेल करना चाहिए आपको। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न कॉलेज है चेक एलिजिबिलिटी, ये कॉलेज ने चेक करना है, लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी उनकी जितने परसेंट है, कैटेगरी के कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, वो सबसे पहले देखे जाएंगे। अगर उनमें से कम हैं, आपने फिल ज़्यादा किए हैं, तो आपकी एडमिशन कैंसिल है, मतलब फिर तो आपको दोबारा में सेकेंड काउंसलिंग में सही मार्क्स पर फिल करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज थर्ड काउंसलिंग में अगर एलिजिबल नहीं हो तो आपको फीस सीट नहीं मिलेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट रूरल क्लेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, मेजर सब्जेक्ट आपने मिनिमम 2 साल जैसे पहले बता चुके हैं पढ़ा हो, और माइनर सब्जेक्ट 1 साल या 1 सेमेस्टर ऑब्लिक करके लिखा है, वो कॉलेज चेक करेगा, तो माइनर कौन सा लेना है उसके बारे में आप सोच लीजिए। गाइडेंस चाहिए तो आप फिर वीडियो बसे दिए हुए हैं, वो वीडियो देख के अगर और गाइडेंस चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उनका जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन
वो पता नहीं क्लिक नहीं, कोई टेक्निकल कॉज है जिनको जवाब नहीं गए अभी तक, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को जवाब दूँ, आपको टेंशन कम हो, गाइडेंस ज़्यादा मिले। तो वो मेरे ख्याल में इस वीडियो में आपको नवदीप मैडम है शायद, एक जने कौन थे मुझे वो मांग रहे थे, फ़ोन नंबर मांग रहे थे, आई नीड योर हेल्प, वो मुझे मिला ही नहीं दोबारा, कमेंट कहाँ है। तो काइंडली आप दोबारा जहाँ कमेंट कर दीजिए, मैं आपका जवाब आपको दे दूँगा। तो ये हो गए, ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद फीस, आपने आपने फर्स्ट सेमिस्टर की 50% फीस पे करनी है, ये बात याद रखनी है, ठीक। कंसर्न्ड कॉलेज हैव इन्फॉर्म्ड वेदर द हॉस्टल ओके, ये ज़रूरत नहीं है, कोई हॉस्टल में आजकल कौन रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। बाकी आपके नहीं है काम, एडमिशन और मैनेजमेंट, हाँ जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई काउंसलिंग में, मैनेजमेंट कोटा की है, उसमें सीट ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आएगी, ये उसी का फेज है, एडवर्टाइजमेंट आएगी पंजाबी में, हिंदी में, ये रहा शायद आगे होगा, चल एक मिनट, चल चल भाई, चल 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 आगे, हाँ ये इंस्टीट्यूट को डेट दी जाएगी सेकंड, आफ्टर द सेकंड काउंसलिंग उनको कॉलेजेस ने एडवर्टाइजमेंट देनी होती है। एक इंग्लिश का पेपर होगा, एक पंजाबी का न्यूज़पेपर होगा, और उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए होंगे, लेकिन आप उनसे पहले ही कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा लेना चाहते हो जाके ले सकते हो, एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत कोई नहीं है, आसानी से सीट नॉर्मल में मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बात करके कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, मैनेजमेंट कोटा रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें कोई नहीं होगी, मैनेजमेंट कोटा में जो भी पैसे ज़्यादा पे करेगा उसको मिलनी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सब कुछ लीगल है। इसके अलावा और हाँ, आपकी जो अगर सीट बच जाती हैं खाली 15% कोटे वाली हैं, वो सीट्स भी 85% जो पंजाब का कोटा है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, जनरली हो जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे 15% में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आते। तो इसके अलावा कोई और आपकी टेंशन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका साथ बीएड में भी दूंगा, बीएड के बाद भी दूंगा, एमएड तक दूंगा, इवन पीएचडी तक दूंगा, मैं टीईटी की वीडियोस देख रहा हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि आपके बीएड का एमएड का सिलेबस ही एग्जैक्ट वो है, और आपके कंसेप्ट अभी से क्लियर होंगे, आपकी टीईटी की तैयारी अभी साइड बाय साइड हो जाएगी। जब आप पढ़ोगे, आपने अपने एग्ज़ाम बीएड के देने हैं फर्स्ट में के, आपको बहुत इजी लगेगा। मुझे फीडबैक चाहिए, इसलिए अगर वो वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि बीएड के सिलेबस में से है, एमएड के सिलेबस में से है, टीईटी की सीधी कोचिंग है, नेट के कंसेप्ट बड़े हैं, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ऐसे फॉर्मेट पसंद है या नहीं है, क्योंकि मुझे फीडबैक चाहिए जिसकी कमी अभी मुझे महसूस हो रही है। इसके अलावा और भी कोई आपके पास सुजेशन है तो आप प्लीज़ सुजेशन भी दें। अगर किसी का जवाब मैं नहीं दे सका, वो टेक्निकल कॉज था, उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। वेट करूँगा आपके कमेंट्स की। थैंक यू।